जी हाँ, बार बार ट्रिपल आर को फिल्म मूवी कहना बंद करिए। ट्रिपल आर की कमाई को देखने के बाद तो साफ ये समझ में आ रहा है कि कम से कम थिएटर का जो बिजनेस होता था, जो सिनेमाघरों का जो ट्रेड जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं वापस से आ चुका है। बाहर से एलियन लोगों ने नहीं बनाया है, ये हमारे देश के ही फिल्म मेकर्स हैं, और बस भाषा अलग है। बिग इस साइड पे बिग स्टार्स का वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया। ये भी एक सच्चाई है, इसके अंदर जो भी दिखाया गया है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो वाकई में रियल थे। उनका लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा था। तो ये फिल्म भी कोई कश्मीर फाइल्स से कम नहीं है। जस्ट बिकॉज इसके अंदर सॉन्ग्स भी हैं, फुल धमाकेदार एक्शन पैक सीन्स भी हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स भी हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में रियल में भी हुई थी। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारा जो चीज़ें बताई हैं फिल्म के अंदर, वो सब रियल में हुआ भी था। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल आर नहीं देखी, तो भाई यार आप लोग कर क्या रहे हो? जाओ जाके देखो, फिर वापस से इस वीडियो पे आओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं और मेरा साथी में, मैं वरुण, और हम लोग बात करेंगे सिनेमा के बारे में। ट्रिपल आर की कमाई को देखने के बाद तो साफ ये समझ में आ रहा है कि कम से कम थिएटर का जो बिजनेस होता था, जो सिनेमाघरों का जो ट्रेड जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं वापस से आ चुका है। एक नई जिंदगी मिल गई है, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, ज़रूरत भी थी। क्योंकि जब से OTT का एक रेवोल्यूशन आया है, तब से लोग कहीं ना कहीं पे इस आइडिया में हैं कि यार बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो अब ऐसे भी मिल ही जाएगा। लेकिन कश्मीर फाइल्स और ट्रिपल आर, इन दोनों ने कहीं ना कहीं से वो भरोसा जो सिनेमा घरों में वापस जाते थे फिल्म देखने के लिए, वो फिर से वापस आ गया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम उन फिल्म मेकर्स के लिए जो लोग आज भी ये विश्वास रखते हैं कि भाई नहीं, मेरी फिल्म तो सिनेमा के लिए ही बनी है। और कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई अपने घरों से बाहर निकलने का एक मौका भी मिल रहा है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने का भी, एक सही बताएं तो बड़ा अच्छा समय भी है। फेस्टिव टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली फैमिलीज़ के साथ लोग चाहेंगे कि टाइम स्पेंड करें, अगर एक अच्छी मूवी देखें। तो ट्रिपल आर अच्छी मूवी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो ट्रिपल आर ने चेंज कर दी। देखिए, बहुत टाइम से जो टेम्पलेट जो चल रहा था इस साइड पे बिग स्टार्स का, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है। अब एक ज़माने में जिस चीज़ को कभी लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता था, टॉलीवुड कॉलीवुड और ये सब, अब वो जो मेंटेलिटी है, वो जो आई थिंक जो बैरियर है, वो ट्रिपल आर ने तोड़ दिया है। क्योंकि अब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये इंडियन सिनेमा ही है, ये कोई बाहर से एलियन लोगों ने नहीं बनाया है, ये हमारे देश के ही फिल्म मेकर्स हैं, और बस भाषा अलग है। लेकिन सोचिए, भाषा अलग होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करी गई है कि उसको हिंदी में भी किया गया है, और हिंदी में उतनी ही सक्सेसफुल है जितना वो कहीं ना कहीं रीजनल में है। एंड आई थिंक जिस तरीके से फिगर्स आ रहे हैं, हिंदी में 10 टाइम ज़्यादा बेटर कर रही है। मतलब रीजनल में तो उनका जो रहता है भाई, जो फैंस रहते हैं, उनका जो डेडिकेशन रहता है, वो तो है ही है, लेकिन हिंदी में 10 टाइम ज़्यादा है। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि फाइनली एक अच्छी मूवी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो लोग उसके लिए जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यार, फिल्म के अंदर जो एक्टर्स हैं, उन्होंने अपना बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगाई है इन सब चीज़ों को करने के लिए। आई थिंक हैट्स ऑफ टू राजा मौली सर, जिन्होंने इस तरीके के, मतलब ऐसा विजन उनके पास है कि वो इस तरीके का बिग स्केल विजन देख सकते हैं। आप सेट्स कह लो, चाहे कॉस्ट्यूम्स ले लो, चाहे उस तरीके का एक्शन सीक्वेंसेस में प्रॉप्स ले लो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो एक टाइम पे ऐसा था कि मैं ये भूल ही गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडिया में बनी है। तो अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है यार, तो प्लीज़ जाके देखें और इसको सिनेमा में ही एक्सपीरियंस करें। मेरा अनफॉर्चुनेट था कि मैं इसको आईमैक्स में नहीं एक्सपीरियंस कर पाया, बट आप लोग जाके प्लीज़ इसको एक्सपीरियंस करें, और एटलीस्ट उस चीज़ को फील करें कि अब फाइनली न्यू सिनेमा का एज आ चुका है। इंडियंस ने फाइनली वो जो रीजनल वाला जो था, वो बैरियर तोड़ दिया है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली अच्छी फिल्म्स को
को अब उतना अप्रिसिएशन मिल रहा है जो शायद से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट देर आए दुरुस्त आए, सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं RRR के बारे में, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।